बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी यूआर साहू के आवास पर स्नेहा मिलन समारोह किया जा रहा है। डीजीपी साहू के आवास पर रखा गया दिवाली मिलन समारोह। सीएस सीनियर आईएएस आईपीएस सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस दरमियान मौजूद हैं। तो दीपावली स्नेह मिलन समारोह किया जा रहा है। डीजीपी यूआर साहू के आवास पर स्नेह मिलन समारोह किया जा रहा है। डीजीपी साहू के आवास पर दिवाली मिलन समारोह रखा गया। तस्वीरें आप देखिए, वो आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस सभी अधिकारीगण इस दरमियान पहुंचे हुए हैं। डीजीपी यूआर साहू के आवास पर दिवाली मिलन समारोह रखा गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि दीपावली पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो काफी व्यस्त होते हैं, लेकिन उसके बाद उनका त्योहार भी जरूर मनाया जाता है। डीजीपी यूआर साहू के आवास का, जहां पर हमारी सहयोगी नेहा जोशी लाइव जुड़ चुकी हैं। नेहा, दिवाली मिलन समारोह किया जा रहा है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि जब दिवाली का त्योहार होता है तो जाहिर है कि सभी अधिकारीगण काफी व्यस्त होते हैं जनता के लिए, जनता के काम करने के लिए, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर से वो अपने त्योहार मनाते हैं, और आज वही किया जा रहा है। डीजीपी यूआर साहू के आवास पर दिवाली मिलन समारोह रखा गया है। जी बिल्कुल ऋचा, आपने सही कहा कि पुलिस है वो व्यस्तता में रहती ही है जब लोग दिवाली मना रहे होते हैं, लेकिन आज डीजीपी साहू के आवास पर है वो दिवाली स्नेह मिलन समारोह है वो रखा गया है। और यहाँ पर सीनियर आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब एक एक करके जा भी रहे हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिलन समारोह है, स्नेह मिलन समारोह, वो यहाँ पर रखा गया है। रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खुशहाली की बात है कि भारत देश में एक दीपावली पर्व को बहुत ही खुशहाली से मनाया जाता है, लेकिन चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या पुलिस अधिकारी हो, वो व्यवस्थाओं में बंधे हुए होते हैं, क्योंकि देश की जिम्मेदारी, प्रदेश की जिम्मेदारी उन पर होती है। लेकिन एक अलग से मिलन समारोह है वो उन्होंने रखा है। ये संदेश देता है कि जो हिंदू संस्कृति है उसमें कितना प्रेम भाव है। अधिकारी अधिकारी से मिलते हैं, दीपावली की बधाइयां हैं वो अभी हम यहाँ पर सुन रहे थे एक दूसरे को, दिवाली जाने के बाद में वो हैप्पी दिवाली विश कर रहे थे। तो इससे एक अलग ही संदेश जाता है कि अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और एक संदेश जाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है वो एक दीपावली मिलन समारोह है वो यहाँ पर रहा है। और अभी एक एक करके सभी घर भी जा रहे हैं, और मुख्य सचिव सुधांशु पंत है वो भी अंदर मौजूद हैं। ऋचा, बिल्कुल जाहिर है, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, क्योंकि उनकी बिजी इतनी ज़्यादा होते हैं अधिकारीगण, उसके बाद उनको समय नहीं मिल पाता, लेकिन एक दिन भी ऐसा होता है कि वो इस त्यौहार को ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यूआर साहू के यहाँ पर। देखिए, उनके आवास पर दिवाली मिलन समारोह रखा गया है। अब खुश तो देखिए सभी अधिकारीगण हैं, क्योंकि एक अपने दिमाग को खुश करने के लिए, अपने आप को शांति देने के लिए कहीं ना कहीं त्यौहार होना भी बहुत ज़रूरी होता है, लोगों से मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी और क्या तस्वीरें वहाँ पर नज़र आ रही हैं, एक बार ज़रूर अगर आप लोगों से बातचीत कर सके, जो अधिकारीगण है वो वहाँ मौजूद है, उनसे अगर आप पूछ सकें तो। जी जी बिल्कुल ऋचा, हम आपको दिखा दें कि अंदर की तस्वीरें क्या कुछ बनी हुई हैं। इस वक्त हैं कई आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं वो अटेंड करके फंक्शन वो जा भी रहे हैं, और इससे इनके जो चेहरे पर जो खुशी है वो बता रही है कि एक अलग ही स्नेह है वो अंदर रहा है। और अभी सभी अधिकारी हैं वो जा रहे हैं, और ये कार्यक्रम है वो खत्म होने की ओर है, लेकिन अभी भी कई अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। सजावट से आप पता कर सकते हैं कि दिवाली का ये जो समारोह है वो रखा गया था, और डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छे से किया गया है यहाँ पर। और सभी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, अब वो जा भी रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ करके, लेकिन इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार ये अंदर जो
स्नेहा मिलन समारोह चल रहा है, उस पर दो शब्द अगर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं तो अंदर का जो रहा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन डेकोरेशन एक बार आपको दिखा देते हैं कि जैसे एंटर करेंगे उसमें हैप्पी दिवाली यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर से ही पता चल जाता है कि दिवाली का जो मिलन समारोह का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर रखा गया है। और बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे कि अंदर का प्रोग्राम कैसा रहा है। बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरह से सबने हमको देखा, सो हैप्पी। आई एम डॉक्टर मधु, मिसेस माथुर। बिल्कुल, ये पुलिस को है वो समय मिल नहीं पाता है, दीपावली के दिन तो व्यवस्थाओं में बिजी रहते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम है खास वो यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही अच्छा है और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है दे आर वेरी हम्बल और सबने जो अटेंड बहुत अच्छा किया है। शायद उनका था, किसका था ये खाना, नहीं साहू साहब तो हैं ही, वो तो सो हम्बल मिस्टर एंड मिसेस साहू, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा जी। और अब हमें अपने पुलिस के जमाने की तमिलनाडु की याद आती है, याद आ गई है। पुराने समय की याद आ गई, हम लोग वहाँ थे बट वी बिलोंग टू जयपुर, तो गेट टुगेदर ऐसा होता रहना चाहिए, बिल्कुल होता रहना चाहिए जिससे कि सब लोग मिलते रहे। एंड हम लोग जो बाहर के पुलिस ऑफिसर्स हैं पर हम राजस्थान के हैं, उससे कॉन्टेक्ट रहे सबका आपस में। और राजस्थान में एक त्योहारों की एक अलग खुशी रहती है और पिंक सिटी में ये मिलन समारोह कहीं ना कहीं रिश्तों को और मजबूती देता है।